एवरीवन, टुडे आई एम हियर फर्स्ट टॉपिक बाय आई एम भगवान सर फिजिक्स फैकल्टी. वेलकम टू यू ऑल इन दिस चैनल. आई विल आल्सो एक्सप्लेन हाउ टू टैकल JEE एग्जाम्स एंड नीट रिलेटेड फिजिक्स एग्जाम. एंड आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल दोज स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग NCERT or who are looking state board exams and also crack the JEE exams. Let us start. Today we will have electric fields and electric charge. At first, electric charge पढ़ने से पहले हम आते हैं पहले electromagnetism. पढ़ा होगा आपने electromagnetism. इसको हम करते हैं फिजिक्स, जो 12th की फिजिक्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फर्स्ट पार्ट है किसी पर डिपेंड है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पर डिपेंड है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिवाइड किया गया है थ्री पार्ट्स में. फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है आपका मैग्नेटिज्म, सेकेंड वन मैग्नेटिज्म, थर्ड वन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है आपका, इसमें जो चार्ज होता है आपका रेस्ट में होता है. इसमें चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है. जहां पर आपका चार्ज रेस्ट में होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, आप इसी के अंदर पढ़ेंगे. दूसरा है आपका मूविंग चार्ज, इसमें मूव करेगा चार्ज, लेकिन शर्त है इसमें मूविंग चार्ज, ये कंडीशन है इसमें. कंडीशन क्या है, जो चार्ज क्या करेगा, मूवमेंट करेगा विथ कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिज्म. थर्ड वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें क्या होता है, चार्ज मूवमेंट करेगा लेकिन वे उसमें चार्ज की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वेरी करेगी, वेरिएबल स्पीड होगी, यानी चार्ज एक्सलेट होगा, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये समझ में आया होगा आपका. हमने कहा